नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक केमिकल सेक्टर के शेयर के बारे में। उससे पहले हम इसके रिटर्न CAGR की तरफ देखेंगे और इसका स्टॉक प्राइस है वो देखेंगे कि क्या है और ये कितना रिटर्न दे रहा है कंपाउंड पे वो देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके 4 या 5 स्टॉक उठा करके कि ये पैसा हमारा कितना करेगा दोस्तों। तो हम देख लेते हैं, पहले मार्केट कैप इसका 33,907 रुपये है, करंट प्राइस 2486 के आसपास है, और 2486 के आसपास है तो हम मान के चलेंगे 2500 के करीब इसका शेयर प्राइस, और हम इसके उठाएंगे 4 शेयर, मतलब 10,000 की हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू करेंगे। और हम CAGR देख लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जो CAGR है वो दोस्तों जो 10 साल की 65% की CAGR है, 5 साल की 84% की CAGR है, 3 साल की 104% की CAGR है, और 1 साल की 210% की CAGR है। हम मान के चलेंगे जो पीछे वाली 10 साल है वो CAGR दे रहा है 65% की ये स्टॉक, तो आने वाले 10 सालों में भी मान के चलेंगे कि यही CAGR रहेगी, तो हम देखेंगे कि कितना रिटर्न आएगा। और हम मान के चलेंगे कि 5 साल जो है लास्ट वाले उसमें जो CAGR थी 84 की, उसके अकॉर्डिंग कितना रिटर्न आएगा अब हम देख लेते हैं। और हम मान के एक बार ये भी चलेंगे कि इन चारों CAGR से हम मान के चलेंगे कि ये भी CAGR नहीं रहती और हमारी CAGR है इन सभी से कम रहे, 50% की CAGR रहे, तो हम देखेंगे कि ये कंपनी हमको कितना रिटर्न देगी 10 सालों में 20 सालों में। चलिए अब हम चलते हैं कंपाउंड कैलकुलेटर की तरफ। अब हम मानेंगे दोस्तों कि हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और 10,000 की इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम मान के चलते हैं जो 10 साल का CAGR है जो है 65% का, वो मान के चलते हैं हम 10 सालों तक लगा करके चलते कि हम ये शेयर जो है 10 सालों के लिए होल्ड करते हैं, तो ये हमें कितना पैसा बना करके देगा। ये देगा दोस्तों लगभग 15 लाख रुपये, 14,96,000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो सिर्फ 10,000 थे, और जो हमारा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो है 65 का, कंपाउंडिंग पैसे हो रहे हैं वो एवरेज हो रहे हैं 65% के CAGR से हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है। और हम मान के चलेंगे ये जो पैसा है 10,000 की राशि, 4 स्टॉक हम 10 सालों तक होल्ड करेंगे, तो हमारी जो अमाउंट आएगी, हमारा प्रॉफिट आएगा, वो आएगा दोस्तों 14,86,000 रुपये। अब हम मान के चलते हैं यही CAGR से हम इसी स्टॉक को यदि 15 साल तक होल्ड करें तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आता है प्रॉफिट का, वो देख लेते हैं। ये करीब करीब आता है दोस्तों 1,83,000 रुपए, जिसमें से हमारी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है और जो हमारी अर्निंग है वो है 1,83,00,000 15 सालों में 65% के CAGR से, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से। जो कंपाउंडिंग है वो आपने नहीं देखा है, तो कंपाउंडिंग होता है दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है सालाना, आने वाले 10-20 सालों में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी एक छोटी सी वैल्यू, छोटी सी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है दोस्तों, तो वो यही है। अब हम इसी CAGR से मान के चलें कि यही हम पैसे 10,000 20 सालों के लिए होल्ड करते हैं, तो हमारी वैल्यू जो है वो आती है 22 करोड़ रुपए, जिसमें से 10,000 लगाए थे और 22 करोड़ बन गए, लेकिन हमने 20 साल तक होल्ड भी किया, ये भी देखना पड़ेगा आपको। हालांकि लोग करते ये हैं कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 है और हमारे जो पैसे डबल हो गए हैं उसको लालच आ जाता है कि हमारे पैसे तो डबल हो ही चुके हैं, निकाल लेते हैं, तो वैसे जो आपके है वो एक बड़ी अमाउंट नहीं बनती दोस्तों, वो छोटी ही रहती है और प्रॉफिट थोड़ा बहुत निकल जाता है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होता खास। अब हम बात कर लेते हैं यही अमाउंट हम मान के चले आने वाले समय में यदि इसकी CAGR 50% की रहे और हम अपना जो पैसा है 10 साल तक इसी कंपनी के अंदर लगा के रखते हैं, तो देखते हैं कि कितना पैसा आता है। तो 10,000 के इन्वेस्टमेंट, हमने 10,000 के 4 शेयर लिए और जो है 50% के CAGR से 10 सालों में पैसे हो जाएंगे 5,77,000। यदि यही जो है पैसे हम 15 साल के लिए यदि होल्ड करके चलें तो हम वो भी देख लेते हैं कि 15 साल में हमारी वैल्यू वो कितनी आती है, तो वो 15 साल में आती है 43,79,000 रुपये
लगभग आती है हमारी अमाउंट, जिसमें से 10,000 हमारे खुद के पैसे हैं, बाकी हमारा प्रॉफिट है। अब आगे चलते हम यही अमाउंट 20 सालों तक होल्ड करें तो जो पैसे हैं वो देखते हैं कि कितने आते हैं। तो वो पैसे हैं दोस्तों 3,33,00,000 रुपये, 10,000 से 3,33,00,000 रुपये। ये सच है दोस्तों, क्योंकि कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसों को दिन ब दिन बढ़ाता 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 बहुत आगे तक लेके जाता है दोस्तों। जो शेयर है, अब हम उसके बारे में जान लेते हैं कि एक जो शेयर है, कौन से शेयर की बात कर रहे हैं, तो वो है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। तो हम एक दिन का रिटर्न देख लेते हैं, एक दिन का रिटर्न है 0.64। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 18% का रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 61%, लगभग 62% का रिटर्न। एक साल की बात करें तो 2 गुना पैसे कर दिए, 100 रुपये लगाएं तो 300 रुपये हो चुके हैं, 200 रुपये का प्रॉफिट। 1,000 रुपये लगाएं तो 3,000 कर दिए, 2,000 रुपये का प्रॉफिट। अब हम बात करें 5 साल की, तो 5 साल में 19 गुना पैसे किए हैं, रिटर्न है 1987% का पॉजिटिव। अब हम ओल्ड टाइम की बात करें तो 13,852% के जो है रिटर्न दिए इस कंपनी ने, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है दोस्तों। स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था वो था 17.81 रुपये के आसपास, जो आज बढ़ करके 2,485 रुपये हो चुके हैं, लगभग 2,500 रुपये। अब हम यदि बात करते हैं इसके जो फंडामेंटल की तरफ कि इस कंपनी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं इसका मार्केट कैप देख लिया आपने, अब हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पॉइंट उसकी बात कर लेते हैं। इसका पॉजिटिव पॉइंट है दोस्तों डेप्थ जो है इसके ऊपर कर्ज था वो ख़त्म हो चुका है, एक पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा है क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तीसरी जो प्लस पॉइंट है वो है इसका जो प्रॉफिट है 64.84% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से लास्ट 5 साल से बढ़ रहा है, मतलब हर सालाना प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट जो होता है वो 64% की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। जैसे कंपाउंडिंग होता है वैसे ही इसका प्रॉफिट भी कंपाउंड होता जा रहा है इस कंपनी का। और फोर्थ पॉइंट की बात करें दोस्तों तो है कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अच्छे आ रहे हैं, लास्ट 3 साल से 36.65% का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो बुक वैल्यू है 14.45 टाइम्स है इस स्टॉक से, बहुत मतलब बोल सकते हो यदि इस कंपनी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल अच्छी रिजल्ट दे रही है, लगातार प्रॉफिट में है, डेप्थ फ्री है और इसके बाद रिजर्व अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ले सकते हो इस कंपनी को। आगे हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो प्रॉफिट की बात करें तो इसमें देख लेते हैं 2020 से 172 करोड़, फिर 99 करोड़, फिर 170 करोड़, जो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इसके प्रॉफिट है वो। कोरोना के कारण जो मार्च जून 2020 में इसके प्रॉफिट थोड़े कम हुए थे, उसके बाद लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस इसके रिजल्ट पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस रिजल्ट जो है इसके उसमें प्रॉफिट है मार्च 2015 में 53 करोड़, 2016 मार्च में 63 करोड़, फिर 96 करोड़, फिर 79 करोड़, फिर 174 करोड़, 776 करोड़ और 979 करोड़ के जो है प्रॉफिट है अब तक के, लगातार बढ़ते हुए ये प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं जैसा कि आप रिजल्ट में देख रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट के बारे में कि इस कंपनी के पास कितनी रिजर्व है और कितनी इसने उधार ले रखा है। तो इसके बाद रिजर्व 2015 की बात करें तो 325 करोड़ के, फिर 450 करोड़ के और वो लगातार बढ़ते हुए आज इसके पास मार्च 2021 तक के जो रिजर्व है वो है 2,319 करोड़ के रिजर्व। और इसने जो उधार उठाया था, मतलब उधार लिया था, उसमें ये घटते हुए दिखाई दे रहा है 1,107 करोड़ से मार्च 2020 में, अभी मार्च 2021 में 590 करोड़ के इसके पास उधार है। इसके पास रिजर्व है तो ये कभी भी चुकता कर सकती है इसको और डेप्थ फ्री हो सकती है, मान सकते हो कि डेप्थ फ्री ही है क्योंकि रिजर्व भी इतने हैं, तो इस कंपनी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इतने उधार से, तो कभी भी चुकता कर सकती है दोस्तों। अब हम चलते हैं प्रमोटर FIA की होल्डिंग की तरफ, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 45.69 कंटिन्यूसली लगातार यही दिखाई दे रही है।
FII की जो होल्डिंग है वो थोड़े घटते हुए दिखाई दे रही है, DII की होल्डिंग है वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 29 से 32 पे आ चुकी है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो हमने बात की दोस्तों दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हो अच्छी कंपनी है। एक दिन का रिजल्ट, महीने का रिजल्ट, साल भर का रिजल्ट और लाइफ टाइम का रिजल्ट पॉजिटिव ही है। और कोरोना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट में भी, और लगातार प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्च 2020 में इसके प्रॉफिट थोड़े से कम हुए थे, वो भी कोरोना कोविड की वजह से। आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा सोच सकते हो, ले सकते हो एक दो स्टॉक। और हाँ, दूसरी बात, मैंने भी इस कंपनी के जो स्टॉक्स है वो उठाए हैं दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए वो भी थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।